नमो छाया नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौति मोगणी मंगलम कुंदे कुंदातो जैन मंगलम सर्वे मंगल मंगलम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वे धर्माणाम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम संत सिद्धि सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थी के प्रकाशी मांगली के उपिकारी हैं तिनी को सरूपी जाने रागते भई जो भक्ति काई को नमाई स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय करी चोरी बारंबारे वंदना हमारी है मंगली कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतु है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान के संग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमारा वीतरा विज्ञान पाठ माला भाग एक में कर्म का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। इस कर्म के चैप्टर को आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद आचार्य ने लिखा है जो गोमर सार कर्मकांड पर आधारित पाठ, ठीक है। इस पाठ को हम कुछ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से पढ़ेंगे और कुछ हम तत्वा सूत्र के आधार से पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने पढ़ लिया था द्रव्य कर्म और भाव कर्म पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। और ये जीव अनादिकाल से दुखी है और सुख चाहता है, तो सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? 5 मिनट में हम दो दिन का टॉपिक रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अंकल आप बताइए, ये जीव दुखी है और सुख चाहता है, तो सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? स्वपद परपा भेद का विज्ञान करके, स्वप्रभेद विज्ञान करके स्वरूपाचरण में भ्रमण करना से ही ये सुख का मिलेगा। अपने आत्मा के आश्रय से ही सच्चा सुख उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये जीव दुखी क्यों है? संसार में अनादिकाल से दुखी क्यों है? अपने रास्ता अपना घर का रास्ता भूलकर दूसरे के घर में घुसा हुआ है। ये मैं कल भी पूछा था अंकल से, यही अंकल ने बहुत सिंपल भाषा में अपने आप आंसर बना लिया, बहुत बढ़िया। अपने ठीक है, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना रूप बाधित करता है और राग द्वेष मोह आदि रूप परिणमित होता है, इसके कारण ये जीव दुखी है। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि अपने घर का रास्ता भूल के दूसरे के घर में गया हुआ है, बहुत बढ़िया। एग्जांपल समझो, सिद्धांत समझो, भाव समझ में आना चाहिए, मेन बात। बहुत बढ़िया। अब कर्मों की बात हो गई, चलो क्या कर्म आत्मा को सुखी दुखी कर सकते हैं? नहीं। मंजू आंटी आप बताइए, मंजू आंटी अनम्यूट करिए पहले तो फिर बताइए, क्या कर्म आत्मा को सुखी दुखी करने में सक्षम है? है, है? अच्छा तो सकारण उत्तर दीजिए, तर्क सहित उत्तर दीजिए। कर्म सुख तो कैसे दे सकते हैं? यदि अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे परिणाम होंगे, उस समय हम सुखी होंगे। और बुरे कर्म होंगे तो हमारे भाव भी बुरे होंगे, तो वो परिणाम दुखी देंगे, तो दुखी महसूस करेंगे। चलो ठीक है, मैं आपके तर्क का खंडन करती हूँ। अब आवाज बंद करिए। अंकल आप बताइए, क्या कर्म आत्मा को सुखी दुखी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अब इसका भी सकारण उत्तर तर्क सहित समझाइए, कैसे नहीं? क्योंकि हम स्वयं सिद्ध हैं, भगवान हैं, हमारी योग्यता हमारे को भूलकर हम यदि दूसरी कर्मों में विश्वास या भ्रम करेंगे तो दुखी हो सकते, दुखी तब भी नहीं हो सकते, वो हम अपने आप को भूले बैठे हैं, इसलिए ये ऐसी स्थिति बनी हुई है
जिस दिन हम हमारे काबिलियत को प्रकटा लेंगे भाव कर्म से, आत्मा स्वयं अपने को भूलकर मोहराग देश में फंसी हुई है, इसीलिए सुख दुख का कारण होता है वो। बस बस ये आंसर वो सही है, परफेक्ट है। जब ये जीव कर्म के उदय में, देखो पहले तो कर्म आत्मा को सुखी दुखी नहीं कर सकते, कर्मों में कोई ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव चेतनमय है और कर्म पुद्गल पिंड है, तो चेतन आत्मा को पुद्गल परमाणु कैसे दुखी कर सकते हैं? बोलो। मैं कल तो यही आपका, मैं कल नहीं थी, मैं तो अपने मन, मैं कल नहीं थी। ये इसलिए पकड़ आ गई। हाँ चलो, एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि कर्म का उदय सुखी दुखी नहीं करता। कर्म के उदय में जब यह जीव पर पदार्थों में इष्ट कल्पना करता है तो अपने आप को सुखी मानने लगता है, होता नहीं है। और कर्म के उदय में जब यह जीव अनिष्ट कल्पना करने लगता है तब वह दुखी होता है, दुखी मानने लगता है, अपने आप को दुखी होता नहीं है। कर्म का उदय सुखी दुखी नहीं करता। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर 100 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए ऋतु भाभी की, तो ऋतु भाभी सुखी हो गए कि दुखी हो गए? नाचेंगे है, नाचेंगे। यानी सुखी होने का भरपूर उपाय, 100 करोड़ की लॉटरी खुल रही है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है, 100 करोड़ रुपए की लॉटरी खुलेगी तो साथ में एक जानलेवा बीमारी हाथ आएगी। अब बोलो, अब वो 100 करोड़ रुपए सुख का कारण है या दुख का कारण है? दुख का कारण है। अरे चाहिए 100 करोड़। अभी एक मिनट पहले कह रहे थे कि खूब खुश होंगे, नाचेंगे, अभी भी कह रहे हैं कि दुख का कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जानी चली जाएगी तो सुख का करेंगे क्या? अब जान कौन सी, जान तो जा ही नहीं सकती, जान तो जा ही नहीं सकती। जानलेवा बीमारी है ना, जानलेवा बीमारी साथ तो वो जान अपनी आत्मा तो मरती नहीं है ना, वो बीमारी अपनी है ही नहीं, वो बीमारी भी अपन ने गलत मान ली। जब तक जान होगा तो होगा ऐसा। हाँ, वो देह परिवर्तन को हमने जान समझ लिया, देह परिवर्तन को जान समझ लिया, ये यहाँ पे हमारा उल्टा आभास हो रहा है। हम मर गए। चारों अनुयोग साथ साथ चल रहे हैं, बहुत गजब की पढ़ाई हो रही है अपनी। चारों अनुयोग साथ चल रहे हैं अपने, दिव्यानुयोग के साथ चल रहे अंकल, पूरा दिव्यानुयोग को अंकल छोड़ नहीं रहे, आत्मा को पकड़े हुए हैं। उन्होंने मूल चीज पकड़ रखी है, जो पकड़नी चाहिए थी उसने स्टूडेंट मंजू आंटी की बात का आंसर था कि कर्म का उदय सुखी दुखी नहीं करता। जब हमने 100 करोड़ रुपए में सुख की कल्पना कर ली तो हमने सुखी अनुभव किया, ठीक है। और जैसे 100 करोड़ के साथ में बीमारी आई तो हमने उस 100 करोड़ के रुपए में प्रतिकूल कल्पना कर ली, अनिष्ट की कल्पना कर ली, तो अपने आप को हम दुखी अनुभवने लगे। तो सुख का अनुभव और दुख का अनुभव जीव अपने परिणामों में करता है, कर्म का उदय सुखी दुखी नहीं करता। एक एग्जांपल और देती हूँ, कौन सी मिठाई अच्छी लगती है बताओ, दिवाली आ रही, कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? गुलाब जामुन की गुजिया। अरे बोलो, मिल्क केक। चलो ऋतु भाभी को मिल्क केक अच्छा लगता है, मिल्क केक खाने से खुशी होती है, मतलब बहुत मजे वाला मजा आ गया है ना। एक पीस खा लिया, दो खा लिए, 10 पीस खिला दिए मैंने, अब बस अब उसके बाद कुछ नहीं, अब उल्टी, अब वमन। अंशुल का बर्थडे है ना, अंशुल का बर्थडे में ये बना मिलके खा लिया है ऋतु ने, बनाया खाया। जब आपको, आपने उसमें सुख होने की कल्पना की, मिल्क केक खाने से मैं सुखी हो जाऊंगी, कल्पना मात्र थी, तो आपको सुख का अनुभव हो रहा था, आप सुखी हुए नहीं थे। जैसे 10 पीस खिलाए, आपको तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के जाने की नौबत आ गई, तो वही मिल्क केक आपके दुख का कारण हो गया। समझ में आया? तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कर्म का उदय सुख दुख नहीं करता है, सुखी दुखी नहीं कर सकता। आंटी अब समझ आ गया, क्लियर आ गया है ना? हाँ, तो ये बात सिद्ध हो गई कि कर्म का उदय सुख दुख
नहीं कर सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता, सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण हमारे परिणाम है, हमारी भूल है, ठीक है। पर पदार्थों में जो मोह राग द्वेष रूपी परिणाम है और पर पदार्थों में जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना है वो हमारे सुख दुख का मूल कारण है। एक एग्जाम्पल और दे रही थी, मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए थे अभी। कौन से दो दिए थे? लॉटरी वाला, मिल्क केक वाला। हाँ, 100 करोड़ रुपए लॉटरी को और एक मिल्केक। अब एक और देती हूँ एग्जाम्पल। मान लो अपने पति देव है, अब बोलो सुख के कारण है दुख के कारण है? दोनों ही है, सारे कारण वही है, सारे कारण वही है, विषय व्यवहार दोनों। ऋतु भाभी कह रही सारे कारण वही है। जब हमने पति देव से कोई डिमांड की और उनने इजी गोइंग पूरी कर दी तो साहब बहुत बढ़िया, ऐसा पति सबको मिले दुनिया में। और हमारी छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो उनसे ज्यादा कष्टकारी कोई नहीं होता। सही अभी क्या हुआ यहाँ पे, हमारे तो परिणाम तो हमारे हुए ना, हमने इच्छा की, हमने अपेक्षा रखी और अपेक्षा पूरी हुई तो हमने आपको सुखी अनुभव किया, और अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हमने आपको दुखी अनुभव किया, ठीक है। अब एक एग्जांपल आप लोग क्रिएट करो अपने घर के ही। कौन क्रिएट करेगा एग्जांपल? हाय हैंड रेज करो। करो आप। नहीं मैं नहीं करूंगा। अंकल कहेंगे देवी जी बगल में बैठी, मैं नहीं करूंगा। अभी घर में शांति चाहिए, घर में शांति से मंजू जी करेंगे, मंजू जी अकेले मंजू जी करेंगे। एक एग्जांपल बनाइए आप लोग जल्दी से। देखो इसमें लाइफ स्किल्स छिपे हैं, जीवन जीने की कला छिपी है। अगर ये एग्जांपल हमें क्रिएट करने आ गए, इसका मतलब इस कर्म के सिद्धांत को हमें अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना आ गया, अप्लाई करना आ गया। बेटा अपना कहना मानता है तो सुख का कारण है, नहीं मानता है तो दुख का कारण हो जाता है, अपने अनुसार नहीं चलता। तो वही बेटा सुख का कारण, वही बेटा दुख का कारण। इसे सब बेटा सुख दुख का कारण नहीं है, हमने जो उससे ना उम्मीद की वो सुख दुख का कारण है, वो सुख दुख का कारण है, इसलिए वो सुख दुख का कारण है। हाँ समझ में आया, चलो आगे बढ़े। अब ऐसे ही अब एक चीज, एक वस्तु चार लोगों के लिए सुख का कारण हो सकती है, वही वस्तु दूसरे लोगों के लिए दुख का कारण हो सकती है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो मेरा सिर दुख रहा है तो मुझे जो गोली खाऊंगी ना सिर दर्द की, वो मेरे लिए सुख का कारण बनेगी। और उसको मान लो उसका पेट दर्द हो रहा है, उसे सिर दर्द की गोली खिलाओ तो वो सब दुख का कारण हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि पर पदार्थ और कर्म का उदय निमित्त मात्र है, सुख दुख कर नहीं सकता, करने की ताकत नहीं है। तीन लोग तीन काल में सुखी दुखी कर नहीं सकता। एक बात क्लियर, आगे बढ़े, है ना। अब हमने पढ़ा था कि कर्म आठ होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, दो तो कर्म के भेद होते हैं, उनमें एक तीसरा था नो कर्म, ठीक है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, कल अंकल ने समझ लिए थे, अंकल बताएंगे। क्रिया कर्म और फल। हाँ क्रिया कर्म और फल, तो आपने समझ लिया। ऋतु भाभी नहीं आई है, उनको समझाओ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म क्या है। अच्छा वो तो ऋतु भाभी तो स्वयं सिद्ध इनको बताना तो मैं बताऊं। उन मोह राग देशी रूपी भावों को निमित्त, भावों का निमित्त पाकर कार्मन वर्गणाए कर्म रूप परिणित होकर आत्मा से संबंध हो जाते हैं, उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं, ठीक है। भाभी संक्षिप्त में बोला जाए तो जो मोह राग देश रूपी आदि विकारी भाव है वो भाव कर्म है, और उन भावों के निमित्त से जो ज्ञान वर्णादि कर्मों का बंध होता है वो द्रव्य कर्म है, और उस द्रव्य कर्म के फल के उदय में जो शरीर और शरीर से आसक्त सामग्री प्राप्त होती है वो नो कर्म है। नो कर्म। अंकल ने बोला क्या बोला था अंकल? क्रिया कर्म और फल, कार्य और फल, कर्म और फल, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब हमने पढ़ा था कि वो कर्म आठ होते हैं, जो दसरा वर्णी ग्यारह वर्णी का बता दीजिए एक बार, वेदनी आयु नाम गुण, उन कर चार कर्मों को दो भागों में डिवाइड किया था, चार घातीय कर्म,
चार अघातीय कर्म, अघातीय कर्म जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। अनुजीवी गुण मतलब आत्मा के मूल स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते, ठीक है। और घात का अर्थ क्या होता है? मारना पीटना नहीं होता है, घात का अर्थ होता है उसको प्रकट नहीं होने देते, आत्मा के मूल स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते, वो घातीय कर्म। घातीय कर्म चार प्रकार के होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतरावरणी। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जीव को ज्ञान प्रकट नहीं होता, दर्शनावरणी कर्म दर्शन यानी सच्चा श्रद्धान प्रकट नहीं होता, अंतराय कर्म के उदय में जीव को महाव्रत संयम आदि ग्रहण लेने की शक्ति रूप वीर प्रकट नहीं होता, ठीक है। ताकत का अंतराय है ना, तो वीर का घात करता है। और मोहिनी कर्म के उदय में जीव स्वरूपाचरण चारित्र रूप अंतरंग में लीन नहीं हो पाता, ठीक है, मोक्ष नहीं पाता। ऐसे चार घातीय कर्म थे। चार अघातीय कर्म जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते वो अघातीय कर्म होते हैं, ठीक है। उनमें आते हैं वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ठीक है, वो चार कर्म। अब ये चार कर्म और चार कर्म को अलग किया तो चार कर्म घातीय कर्म आत्मा से संबंधित है और चार अघातीय कर्म शरीर से संबंधित है, ठीक है। जब आत्मा से संबंधित चार घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है, नाश करते थे, तो चार चतुष्टय प्रकट होता है, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और शरीर आसक्त चार घातीय कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं, वो अपनी स्थिति पूर्ण करके अपने आप क्षय हो जाते हैं और मोक्ष अवस्था हो जाती है, ठीक है। इतना हो गया था। अब इसके बाद हमने पढ़ा था इन कर्मों के बंधन की चार प्रक्रियाएं होती हैं। नहीं, अभी पहले घातीय कर्मों का पढ़ना है अपन को। वेदनीय कर्म, जो वेदनीय कर्म होता है वह सुख दुख का अनुभव कराता है, और वह दो प्रकार का होता है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, ठीक है। साता वेदनीय कर्म के उदय में जीव को अनुकूल अनुकूल सामग्री मिलती है, असाता वेदनीय कर्म के उदय में जीव को प्रतिकूल प्रतिकूल सामग्री मिलती है। अब वह सामग्री कुछ भी हो सकती है, पैसा से लेकर, कपड़े से लेकर, धन, परिवार, कुटुंब, परिवार के लोग, पति, सास, बहू, मतलब कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। कोई बीमारी आ गई शरीर में तो वो भी असाता का उदय है, ठीक है। और बहु आज्ञाकारी आ गई तो वो साता का उदय है, और पति बात मान रहा है तो वो साता है, बात नहीं मान रहा है तो असाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक जीव के जीवन में सदाकाल साता चलेगी या सदाकाल असाता चलेगी। साता और असाता क्षण क्षण बदलती है, जैसे घड़ी की सुई घूमती रहती है ना, ऐसे साता का उदय असाता का उदय क्षण क्षण आता रहता है। एक मिनट पहले बहु बात मान रही थी तो साता का उदय हो रहा है, एक मिनट बात नहीं मान रही तो असाता का उदय है। वो उस दिन बताया था ना, कुछ मिनट का कुछ फेर होता है जिसमें सुख दुख या चेंज होते रहता है ऐसा कुछ। वो तो अंतराल के परिणाम चेंज होते हैं जीव के, परिणाम चेंज होते हैं, और अशुभ परिणाम, शुभ से अशुभ में, अशुभ से शुभ में, और शुभ और अशुभ दोनों दशाएं नहीं होंगी तो शुद्ध उपयोग में अंदर। लेकिन वो मुनिराजों की होती है शुद्ध उपयोग की दशा, भावलिंगी मुनिराजों के, ठीक है। अंतर्मूर्त से ज्यादा एक परिणाम जीव के नहीं ठहरते, अपने आप बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है, निरंतर, और ये आठों कर्म निरंतर जीव को बनते हैं, संसारी जीवों को, ठीक है। इतना पढ़ लिया था हमने। वेदनीय, आयु, आयु नाम कर्म के उदय से जीव को आयु मिलती है, ठीक है। कितनी आयु मिलनी, कब मिलनी, ये सब अपने परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है। और अपने जो हम कर्म कर रहे हैं ना, कर्म कर्म का उदय तो आया, फल दिया उसने, फिर जो उसे पर्याप्त सामग्री मिली, शुभ मिली, अशुभ मिली, जो भी साधन सामग्री मिली, उसमें हमने कैसे परिणाम किए, कैसे हमने उसमें अपने भाव रखे, कैसे उस सामग्री का प्रयोग किया। पैसा मिल गया खूब, तो हमने उसका क्या उपयोग किया, अशुभ कार्यों में खर्च किया, उस धन का दुरुपयोग किया, या मंदिर आदि में शुभ कार्यों में उस धन का उपयोग किया, उसके अकॉर्डिंग हमें अनेक नवीन कर्मों का बंध होता है। तो आयु कर्म अंतर्मूर्त से लेके 33 सागर तक का होता है, ठीक है। इसका अभी पूरा अपन किताब में देख के ना पूरा सीक्वेंस में लिखवा दूंगी, कौन से कर्म की कितनी सत्ता होती, कितनी प्रकृतियां होती, कितना कम समय होता है, कितना उत्कृष्ट समय होता है ना, अभी देख के तो प्रॉपर लिख लेंगे अपन। अभी एक बार मोटी मोटी चर्चा कर ले, इससे लिखते वक्त ज्यादा नहीं हो। वेदनी, आयु, नाम कर्म की 96 प्रकृतियां होती है, 96 नाम कर्म के उदय में जीव के शरीर की रचना होती है, ठीक है। सुंदर शरीर, कुरूप शरीर, होती है
छियानवे तिरानवे होती है कि छियानवे तिरानवे तिरानवे देख ले कोई तिरानवे ही पढ़ा है हाँ तिरानवे ही पढ़ा है तिरानवे नाम करूंगी तिरानवे करती हैं अभी देख लेंगे एक मतलब पूरा चार्ट बना हुआ है ऐसा कैसा पूरा चार्ट बता दूंगी मैं आपको है ना अपन सारे प्रकृतियों के नाम वगैरह सब लिख लेंगे एक बार आगे फिर हमेशा के लिए हाँ कोई अभी इसमें दिख नहीं रहा मैं बता दूंगी आपको है ना तो उसमें शरीर सुंदर मिलना कुरूप शरीर स्थूल काय शरीर मिलना या एकदम पतला होना ये सब अपने हाथ में नहीं है ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें शरीर की रचना मिलेगी किसी का अंग विकार हो जाता है पैदाइशी अंग विकार है अंग उपांग उपांग मतलब इस अंग तो मोटे मोटे हो गए आंख नाक कान हाथ पैर अंग ये नहीं होना और उपांग मतलब ये नाखून उंगलियां छोटे छोटे जो अंग होते हैं शरीर के अंदर की अंग हड्डियां आदि जो भी दशा होनी है रोग आना है शरीर में कितने रोग आना है सब नामकरण को उदय जीव की रचना होती है शरीर की अब जैसे स्थूल काय नामकरण का उदय मेरा अब मैं कितनी कोशिश करूं पतली हो ही नहीं सकती क्यों क्योंकि नामकरण का उदय अब कहते नहीं है अब जो लोग पतले होते हैं टिड्डी से छह छह सात सात रोटी खा ले तो उनका वजन ही नहीं बढ़ता सर तो फूक मारो उड़ जाएंगे अरे उनके छीन मतलब उनका जो पतला होता है ना स्थूल का अपोजिट क्या होता है छीर का है उनका वही नाम कर्म का उदय है वो कितना खिला लो मोटे होएंगे ही नहीं है ना और अपन जैसे भगवान ने हस्त भगवान ने क्या अपन नहीं ऐसे कर्म बांधे थे जो नाम कर्म मिला है स्थूल नाम कर्म का होता है कुछ भी कर लो कुछ होगा ही नहीं कितने प्रयास कर लो और जो कहते हैं ना प्रयास करो तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है अरे थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो उस समय उस नाम कर्म का उदय कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है फिर कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है अपन को तो पता है इसलिए चलो ठीक है जिनको नहीं पता होता है नहीं पता नहीं ये सामने खड़े कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है उनको ये समाधान मिल गया ना कि भाई मेरी गलती नहीं है ये नाम कर्म का उदय मेरा तो ये आप कोई भी कहे तो जवाब दे सकते हो आप बुरा भी नहीं मानेंगे तो ऐसे कहते हैं उपदेश हमेशा ऊपर उठने को दिया जाता है स्वच्छंद होने के लिए नहीं दिया जाता इसका नहीं है कि आप व्यवहारिक जीवन की क्रियाएं बंद कर दो विचार पूर्वक लगाना है सब जगह हाँ विवेक पूर्वक लगाना है सब सारी कोशिशें कर ली फिर भी नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा कोशिश पुरुषार्थ ही नहीं करो फिर फल की इच्छा रखो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा अब स्थूल नाम कर्म का उदय आएगा तो उसे भी तो काटना पड़ेगा वो पुरुषार्थ से करेगा बैलेंस लाइफ होनी चाहिए हाँ नाम कर्म वेदने आयु नाम गोत्र कर्म होता है वो हमें ऊंच नीच गोत कुल उत्पन्न कुल में उत्पन्न कराता है उच्च नाम कर्म का उच्च गोत्र कर्म हमें ऊंचे कुल में उत्पन्न कराता है और नीच गोत्र कर्म हमें नीचे कुल में उत्पन्न कराता है ठीक है ये तो भाई कर्मों की बात इसमें एक चीज और बतानी थी देखो नाम कर्म की तिरानवे प्रकृतियां होती हैं सही बोला था आंटी ने मुझसे चूक हो गई थी अपन ने तो सारा पढ़ लिया ना अब अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं कर्म इनकी परिभाषाएं फिर प्रकृतियां फिर कौन कर्म कैसा होता है वो अपन बाद में लिखेंगे क्रम सीक्वेंस में अब इन कर्मों को चार प्रकार से बांधते हैं हम इनको कर्मों का बंधन करने की चार कंडीशन होती है स्थिति बंध अनुभाग बंध प्रदेश बंध और एक और था ना चार पढ़े थे ना उस दिन अपन ने अनुभाग बोल दिया ना स्थिति अनुभाग प्रदेश प्रकृति प्रकृति बंध ठीक है चार पढ़े थे अपन ने हाँ तो प्रकृति पहले पढ़ते हैं प्रकृति बंध में क्या होता है जिस कर्म की जो प्रकृति है उस रूपी बंधन होता है ज्ञानावरणी कर्म का बंधन होगा तो उसमें ज्ञान को ही प्रकट नहीं होने देगा वो सिर्फ है ना ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ऐसा नहीं होगा कि आपकी श्रद्धा प्रकट नहीं हो अगर दर्शनावरणी कर्म का उदय
छीन है या दबा हुआ है, छह उपसमय छह, तो आपकी श्रद्धा तो प्रकट हो जाएगी, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। समझ में आया? जिस कर्म का जो कार्य होता है, जिस कर्म का जो वो होता है, वो कर्म का उदय स्थिति वैसी बनती है, उसे बोलते हैं प्रकृति वन नेचर। कर्म का जो नेचर है, कर्म का जो स्वभाव है, वो वही कार्य करेगा। एक कर्म दूसरे कर्म का काम नहीं करेगा, अपन ने पहले समझा दिया था मैंने, ये तो हो गया प्रकृति वन। दूसरा होता है स्थिति वन। स्थिति वन यानी वो कर्म कितने समय के लिए हम बांध रहे हैं, अंतर्मुहूर्त से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक की स्थिति कर्मों के बंधने की होती है। ठीक है, कोई कर्म हमने आज बांधा तो वो हो सकता है कि अगले क्षण उदय में आ जाए, हो सकता है एक महीने बाद उदय में आए, हो सकता है एक साल बाद उदय में आए, और हो सकता है एक जन्म के बाद आए, या हो सकता है कि जन्म जन्मांतर के बाद उदय में आए, हो सकता है 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष बाद उदय में आए। समझ में आया? तो जो कर्म को बांधते हैं उसे बोलते हैं अबाधा काल। जो कर्म बांधा है वो अपना अबाधा काल पूर्ण करके फिर उदय में आएगा, और फिर उस उदय में हम जैसे परिणाम करेंगे उसके अकॉर्डिंग नवीन कर्म बंधन होगा। ये हो गया प्रकृति प्रकृति वन, प्रदेश वन, दो हो गए है ना। स्थिति वन मैंने आपको प्रकृति और स्थिति दो समझाए। अब प्रदेश बंद, प्रदेश बंद में होता है आत्मा में कितने प्रकार के कर्मों का कितना बंद होगा, यानी कितने कर्मों का। प्रकृति आए ना हजार, मतलब तीन लोक प्रमाण असंख्य अनंत अनंत कर्म के वो परमाणु हैं। अब कितने बंद होंगे उससे हमें काउंटिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और एक होता है अनुभाग बंद। अनुभव होता है कर्म के फल देने की शक्ति कितनी है, कितनी तीव्रता से कर्म अपना फल दे रहा है। ये चार प्रकार से कर्मों का बंधन होता है। ठीक है, इसका बहुत डिटेल एक दिन और किया था मैंने, तीन चार बार कर लिए। बंध में किया था, बंध में, हाँ, तो सात तंत्र पढ़े थे ना, तब बंध के बंध का स्वरूप पढ़ रहे थे, तब पढ़े थे हमने, तब भी पढ़े थे, अब भी रिपीट हो गए, तो अब तो शायद याद अच्छी तरह से हो गए होंगे। हाँ, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। तो प्रकृति बंद और प्रदेश बंद की चर्चा जिनागम में कम है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है ना। कितने कर्म बंधे उस समय क्या करना, और किस टाइप के कर्म बंधे उस समय क्या करना, हमें मतलब है स्थिति और अनुभाग, यानी उसका अनुभाग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अनुभाग मतलब वो कर्म कितनी तीव्रता से उदय में आ रहा है, और उस उदय में आए हुए कर्म में हम अपने परिणामों को कितना संभाल पा रहे हैं, वो मेन चीज है ना। स्थिति से भी उतना मतलब नहीं है कि भाई वो कर्म हो सकता है कि 5 साल बाद उदय में आएगा, 10 साल बाद आएगा, जब आएगा जब आएगा, कितनी तीव्रता से उदय में आ रहा, और उस वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें हम अपने परिणामों को कैसे संभाल पाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें अपने परिणामों की संभाल रखनी अत्यंत आवश्यक है ना। अब ये चार समझ में आ गए है ना। अब एक चीज और समझानी थी, इसमें वो चीज लिखी थी, अब वो अभी नहीं मिलेगी मुझे जो मैं बतानी चाह रही थी। चलो कोई नहीं, अपना अभी आज का सिलेबस पूरा हो गया इतना है ना। मैं देख लेती हूँ, अगर हुए यहाँ तो बताई दू, वहां तो हाँ मोबाइल में क्या। हाँ, रिटर्न को भेज दूंगी मैं। हाँ, मेरे हिसाब से ओरल अपन ने पूरा पढ़ लिया है, अपन इसका परिभाषा ही लिखना है अपन को है ना। ये नैमिषारण जी का संक्षिप्त परिचय क्या, सिद्धांत चक्रवर्ती, सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिषारण जी का संक्षिप्त परिचय रह गया। हाँ, अभी तो कर्म का बहुत सारा चैप्टर बाकी है। अभी कर्म के कौन से, कर्म के बंधने के कौन से कारण होते हैं, उच्च नाम नाम कर्म के क्या कारण बंधने के, गोत्र कर्म के क्या, किस भावों से कौन सा कर्म बंधता है, अभी वो पढ़ेंगे तत्वा सूत्र के चौथे अध्याय के आधार से है ना। तो अपन एक क्लास कल लेंगे, कल के बाद क्लास देखेंगे, फिर वो जो त्योहार आ रहा है क्या आ रहा है ना। अभी क्लास को विराम देते हैं, अपनी क्लास का टाइम हो गया है ना।
ठीक है। मेन मेन मोटा मोटा जो अपना था मेन चीज समझने की थी कि क्या कर्म का उदय वास्तव में सुख दुख दे सकता है। नहीं, लेकिन हमको डर क्यों लगता है? हमको डर क्यों लगता है? फिर हमें डर इसलिए लगता है कि हमें वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्चा श्रद्धा नहीं है, एक्चुअली सच्ची श्रद्धा नहीं है कि जो भीतराग भगवान ने बोला है वो सही बोला है। हमारा हमें अगर डर लगता है इसका मतलब हमारा श्रद्धान कमजोर है, सम्यक दर्शन नहीं है हमें, तत्व के संबंध में शंका है, क्योंकि सम्यक दर्शन का पहला अंग होता है निशंकित, तत्व के संबंध में कोई शंका नहीं, जहाँ शंका नहीं वहां डर नहीं, और जहाँ डर है वहां शंका है मतलब श्रद्धान सच्चा नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल, सच्ची श्रद्धा का बहुत मस्त एग्जाम्पल है। एक छह महीने का बालक होता है, छह महीने का बालक वो अपनी माता की गोद में होता है और माता उसे ऐसे ऊपर उछाल उछाल के खेलती है, बच्चे को खेलती है ना। अब आप बताओ उस बालक को किंचित मात भी डर लगता है क्या? नहीं, उसे 100% विश्वास होता है कि ये जो मेरी माता है मुझे गिरने उसे कहते हैं श्रद्धा। और वही एक 10 साल का, हाँ, इतने छोटे बच्चे को जब श्रद्धान हो सकता है तो अपने इतने बड़ों को क्यों नहीं होता? वो हमको तो एक सीढ़ी से फिसल जाए तो भले ये गिरा दिया है। इसने गिरा दिया आंटी, अंकल ऐसे कह रहे थे इसने गिरा दिया। वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है और हम अंडर कॉन्फिडेंट है। नहीं, यही पर श्रद्धान है कि आंटी ही गिरा सकती है। आप कई ऋतु ने बात एग्जाम्पल दे रही थी, जैसे उस बच्चे को सच्चा श्रद्धान है कि मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी, ऐसा सच्चा श्रद्धान हमें नहीं है, इसलिए हमें डर लगता है। और क्योंकि ये शंका है, तत्व में शंका है कि पता नहीं कर्म के उदय में हमें पता नहीं कर्म का उदय दुख देता है, मानने को तैयार नहीं है कि हमारे परिणामों से हमें दुख मिलता है। हमने जो परिणाम किए उनसे दुख मिलता है, जीव मानने को तैयार ही नहीं है। जैसे वो एक तुमत भाई साहब जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पिकनिक हुई, पिकनिक पर सब लोग अपने अपने घर से गए, तय हुआ कि सब अपना अपना टिफिन लेकर आएंगे। अब एक महिला ने 6 घंटे मेहनत करके खूब अच्छा टिफिन बनाया, हलवा पूरी सब रखा, और एक हम जैसे आलसी, हमने एक रोटी सब्जी बनाई और रख के चल दिए। अब जब पिकनिक पे गए और टिफिन खोला सबने, तो किसी के टिफिन में हलवा पूरी निकला, किसी के में सूखी रोटी, किसी के में चावल निकला। अब बताओ, अब मैं जैसी रोने लगूं, मैं सब रोटी रखी थी कि मेरे टिफिन में पूरी क्यों नहीं निकली? बोलो रितु भाभी क्या बोलोगी? बोलो, कुछ नहीं कर सकते। हलवा भाई तुमने रोटी बनाने में कोई मेहनत ही नहीं करी, और वो जो 6 घंटे मेहनत करके हलवा पूरी खीर बना के लाई थी, उसने जो डिब्बा पैक किया उनके डिब्बे में वो ही निकलेगा हलवा पूरी। ऐसे हमारे कर्म, जो बोया है वही मिलेगा। हाँ, हम जिस तरह के कर्म बांध के आए हैं वही कर्म उदय में आएंगे। हमें क्या लगता है दुखी ये कर रहा है बगल वाला? नहीं, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाले का व्रत होता है और वो हलवा हमको मिल जाता है खाने। वो भी कर्म का उदय है अंकल, वो भी कर्म होता है। किसी जन्म में आपने किसी को खिलाया होगा हलवा, वेदनी कर्म था वो। मिल गया अचानक से। लेकिन इस तरह के कर्म को उदय के लिए बैठे नहीं रहना चाहिए। वाह, ऋतु भाभी बना लाएंगे, अपन तो कुछ बना के नहीं ले जाओ उनके वैसे खाली। हमने तो मंदिर में त्याग कर दिया था कि अंशुल का बर्थडे में पार्टी में नहीं जाएंगे। अरे भाई साहब, ऋतु भाभी एक बार खिलाएंगे, दो बार, तीसरी बार कहेंगे लो ले ही नहीं जा रहे, रस के जलन की बात ही नहीं है। और कर्म भी न्याय करते हैं, न्याय करते हैं कर्म, ऐसा कहते हैं सच्चे न्यायाधीश कर्म ही होते हैं, निष्पक्ष न्याय करते हैं, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं।
ठीक है। तो इससे सिद्ध हुआ कि कर्म सुख दुख नहीं देते हैं, हमारे परिणाम ही हमें सुखी और दुखी करते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो पर्याप्त सामग्री हमें मिली, अगर मान लो मैं भोजन कर रही, मेरा एक आसन है, चलो मान लो मैं बहुत एक आसन करती हूँ आप लोगों के अकॉर्डिंग, है ना, और मैं एक आसन की मेरे मन का खाना नहीं बना, या मेरे खाते वक्त कुछ विघ्न आ गया, भाई मेरे मनपसंद चीज में कुछ कीड़ा गिर गया, किसी ने टच कर लिया, वो बिना सोला का हो गया, और मैं अपने परिणाम खराब करूं और चिल्लाऊं सामने वाले के ऊपर, कोई मतलब नहीं है। मतलब आधी मेरे सामने, मैं आधी को लगाऊं चार चांटे, तूने मेरा दूध छू लिया, तूने मेरा ऐसा कर लिया, तूने रोटी छीली, तूने कर दिया, चल हट, चार चांटे लगा के जाऊं, क्या होगा, बच्चे में क्या असर पड़ेगा और अपने परिणामों का क्या फल मिलेगा बताओ? मेरे उस व्रत का उपवास का कुछ फल मिलेगा मुझे? कुछ भी नहीं मिलेगा, उपवास का कुछ फल नहीं मिलेगा, बल्कि बच्चे में गलत संस्कार जाएंगे, मम्मी से अच्छा तो एक आसन किया ही मत करो, आप ऐसे व्रत पे क्या करती हो, डबल डबल है ना। तो ऐसे अगर इतना हिम्मत है परिणामों में कि अगर मैंने एक आसन किया और मुझे उस दिन कुछ भी खाने को नहीं मिले और फिर भी मेरे परिणाम तनक से भी ना विचलित होए, इतनी श्रद्धा हो, इतनी शक्ति हो, तो ही व्रत उपवास आदि करने चाहिए, वही उचित है, उनका ही फल होगा, उनका ही फल होगा, सच्ची प्रभावना होगी। हर बात, अरे हम हर चीज में दूसरों को दोषारोपण कैसे कर सकते हैं भाई, बोलो। अगर मान लो मुझे कुछ खाना पीना है, मेरा नियम है, तो मैं अपनी शक्ति, इसलिए कहते हैं कि व्रत उपवास हमें शक्ति के अनुसार लेना चाहिए, आगे का समय भी देख के लेना चाहिए, आगे जवानी में तो ले लिए व्रत, ले लिए खूब सारे, और आगे भाई आगे वृद्धावस्था भी आएगी, बीमारियां भी आएंगी, बच्चों ने नहीं किया तो आज हम कर रहे हैं अपने माता पिता का, आने वाले बच्चे नहीं करेंगे हमारा, तो हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं, अपेक्षाएं रख सकते हैं, और जितनी अपेक्षाएं रखेंगे वो अपेक्षाएं रखने से उतने ही ज्यादा हम दुखी होंगे। कर्म सिद्धांत पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम जो हमारे डेली लाइफ में चीजें होती है ना, उनमें अगर उतार लें तो आधे से ज्यादा झगड़े घर के खत्म हो जाएं। वर्तमान में यही होता है, लेकिन वर्तमान में यही होता है, बहुत मुश्किल है कि मतलब इतना समता और इतना उड़ाना बहुत मुश्किल है। आएगी भाभी, इतनी समता आती है कंटिन्यू अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करने से। अगर हम पापा को, हमारे परिणाम खराब हुए, पापा को बोलो, बेटे को बोलो क्लास में, पापा समझ में आए इतना, तो हमें जो भी है हमारा, हमें सबसे पहले अपने कर्म का उदय विचार करना चाहिए। आज मेरे कर्म के उदय में इतना ही खाना लिखा था, मुनिराज कैसे विचार करते हो, तो अंतराय हो जाता है, तो श्रावक पर गुस्सा करके आते हैं क्या मुनिराज? नहीं, अंतराय हो गया, अब हमें कल मिलेगा खाना, अब हम तपस्या कैसे करेंगे? मुनिराज ऐसे गुस्सा करते हैं? अरे नहीं करते, मुनिराज उस अंतराय को अपना पुण्य का उदय मानते हैं। अपनी साधना करने का मौका मिला, अवसर दिया श्रावक धन ने, जिसने हमें साधना करने का अवसर दिया। मान लो पेट भर आहार करते, गर्मी का दिन था, नींद आ जाती तो अपने परिणामों में तत्व का विचार करते, कर्म के उदय का विचार करते। एक ही उपाय है अपने जीवन में समता लाने का, शांति लाने का, मात एक उपाय है, तत्व का चिंतन करो, कर्म के उदय का विचार करो, बस। अगर सब कुछ अनुकूल मिल रहा है तो भी कर्म के उदय का विचार करो कि अच्छा है, हमें ऐसी अनुकूल सामग्री मिली तो हमारा संयम साधना अच्छे से हो रही है, और अगर प्रतिकूल सामग्री मिली तो भी हमें समता रखनी चाहिए कि इस प्रतिकूल सामग्री में हमें अपने परिणामों पर निरंतर रखना आ रहा है। हम प्रतिकूल परिस्थितियों में कितना परिणामों पर निरंतर रख पा रहे हैं, ये और अच्छी बात है। कुल मिला
कि हमें नवीन नवीन कर्मों का बंद नहीं करना है। ज्यादा पुण्य हो गए जाए, ज्यादा आज्ञाकारी बच्चे मिल जाए तो क्या लगता है, और मुझसे अच्छे किसी के है ही नहीं, अहंकार आ जाता है, एक मिनट में अहंकार आ जाता है। और मान कर शायद दिखती तो है नहीं, हमारे तो पुण्य का उदय है, हमारे तो है ही बच्चे अहंकारी, ऐसे चुटकी में नीचे रखते हैं बच्चों को हम अपने, एक सेकंड लगता है मान कसाय आने में। और मान कसाय मान महा विस्वरूप करे नीच गति जगत में, और मान कसाय सबसे ज्यादा दुख रूप है। इसलिए देखो अपन जैसे ग्रस्तों को, जहां अपन सारा छोड़ के नहीं जा सकते, जिम्मेदारियों से बंधे हैं, फिर क्या करें? सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था, फिर हम करें तो करें क्या, सट आवश्यक का पाठ पढ़ा तो पहला क्वेश्चन यही था ना कि मोक्ष तो हम जा नहीं सकते, मुनि हम बन नहीं सकते, तो हम क्या करें फिर भाई? जब तक मोक्ष नहीं जा सकते मुनि धर्म की आराधना करो, और जब तक मुनि नहीं बन सकते तब तक क्या करें? तब तक सेवक धर्म की आराधना करो। और सेवक धर्म की आराधना करना इतना आसान नहीं है भाई साहब, बहुत कठिन है। महाराज जी कहते हैं मुनि बन जाना आसान है, गृहस्थी में अपने सही बात है। मुनि राजा को तो क्यों काम है 24 घंटे एक ही काम है, अपने आप स्वरूप में लीन रखना, आत्मा की आराधना करना, तत्व का विचार करना, उन्हें एक ही काम। और गृहस्थ को 100 काम है, 100 तरह के परिणाम है, 100 तरह के लोगों से पाला पड़ना है, 100 तरह की घटनाएं घटनाएं, उसमें अब रखो तुम समता। एक सच्चे गृहस्थ की परीक्षा होती है। और जिसने इस विषम परिस्थितियों में अपने परिणामों को शांत रखा, वही सच्चा श्रावक धर्म का पालन कर रहा है। ठीक है ना? तो इस कर्म के उदय को अपन बड़े पढ़ेंगे आराम से, कैसे कैसे काम करने से हमें कैसे कैसे नवीन कर्मों का बंध होता है, और नवीन कर्मों के बंध में हमें कैसे समता भाव रखना है, सब पढ़ेंगे। पर बहुत अपने मान लो कि अपनी जीवन बदल देने वाला है कर्म सिद्धांत। ठीक है चलो, इसमें अपनी प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, थ्योरी कम होगी। प्रैक्टिकल जितना करेंगे ना, और नए नए एग्जाम्पल बनाओ, बनाना क्या है भाई साहब, अपने चारों तरफ एग्जाम्पल उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है प्रतिपल। एग्जाम्पल उनको अप्लाई करना है, बस उनको अप्लाई करना है कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही, निश्चय ही शब्द पर जोर दिया है, फल निश्चय ही बे देते करे आप फल तो स्वयं किए निष्फल होते। यानी अपने कर्मों का फल अगर कोई दूसरा देने लगे तो जो हमने अच्छे कर्म किए थे वो कहाँ जाएंगे, वो तो निष्फल हो जाएंगे भाई साहब, हो जाएंगे कि नहीं? तो बस ये सद्धान रखना है, जो है वो तो उदय में आएंगे ही आएंगे। पुरुषार्थ हमारा ये है कि हम उसमें कैसे निकलते हैं। ठीक है चलिए, हम सभी अपने जीवन में कर्म सिद्धांत को प्रतिपल स्मरण करते हुए अपने ग्रस्त जीवन को अच्छा बनाएं और मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़े, इसी भावना से आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। जिनवाणी सुनी करते हैं उसी के लिए को वंदना शतिवार है, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो डोक। 9 बार नमो कर्मन पढ़ेंगे।